अस्सलाम वालेकुम सरजील भाई, कैसे हैं? सरजील भाई की वीडियो के थ्रू देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दसवां रोज़ आप सबको मुबारक। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपनी ईद की शॉपिंग करने। बाकी शलवार कमीज तो मैंने ले लिया है और स्टिच करवाने के लिए भी दे दिया है। मैंने उसका व्लॉग बनाया था बट व्लॉग में कोई इशू हो गया था, इस वजह से वो व्लॉग मुझे डिलीट करना पड़ा, वो व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सका। आज मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी शॉपिंग करने ईद की, तो शॉपिंग व्लॉग आप लोगों को मिलेगा बट ड्रेस देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग डायरेक्ट ईद पर ही देखना कि मैंने कैसा ड्रेस पहना है, अच्छा है या नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शबी साइड व्लॉग। इंजॉय आज का व्लॉग, करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं सुबह सहरी में व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थका हुआ होता हूँ। मसला ये हो रहा है ना, आम दिनों में मैं रात को 4-5, 5:30 बजे तक उठा रहता था, 1:30-2 बजे मैं सो जाता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता मैं कुछ करूँ। सिर्फ सहरी करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ। इस वजह से 3 से 4 दिन हो गया मैं इसी टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:10 बाकी है और शहरी आने वाला है, नमाज़ भी पढ़ ली हम लोगों ने, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। जैसे ही शेरी आता है तो फिर सीधा निकलते हैं शेरी के साथ शॉपिंग करने। शेरी आ चुका है नीचे और माशाल्लाह से आज जो मौसम है ना बहुत ही प्यारा हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं नीचे वेट कर रहे। फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, हॉक्स फैशन से मुझे कपड़े लेने थे, अब जाकर अंदर चेक करते हैं। अंदर आ चुके हम लोग और माशाल्लाह से यहाँ पे पैंट और शर्ट्स की काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज पड़ी हुई है। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर एक से एक पैंट्स पड़े हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, ये सारी टी शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई बहुत ही अच्छे अच्छे कलर की है और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी है इनके पास। अभी मैंने ये अपने लिए शर्ट्स निकाले हैं, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मुझ पर कैसे लग रहे हैं। इसके साथ पैंट, अभी एक शर्ट हमें पसंद आ चुका है, अभी हम लोग और देख रहे हैं। एक शर्ट और एक पैंट पसंद आया और अभी दूसरा शर्ट मैं देख रहा हूँ, मेहरून वाला अभी मैंने ट्राई किया था, वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी इससे पहले वाला जो मैंने ट्राई किया था वो मैंने डन करवा दिया है। और अभी अभी शेरी भाई पैंट देख रहे हैं इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, फिर मैं जाऊंगा ये शर्ट भी ट्राई करूंगा मुझ पर कैसा लग रहा है। और शेरी भाई अभी पैंट देखने में फुल मसरूफ़ है, ये देख ले तो फिर मैं जाता हूँ ट्राई करने। ये शर्ट मैंने ट्राई किया था, मुझे बहुत ही पसंद आया, भाई दिखा रहे हैं ये है। और इसके साथ मैंने एक पैंट भी देख लिया, अच्छा लग रहा है। और फाइनली मेरा ये पैंट शर्ट रेडी हो चुका है शॉपर में, मैंने अपने लिए कर लिया। अब शेरी भाई देख रहे हैं अपने लिए पैंट, फाइनली मैंने अपने लिए पैंट शर्ट ले लिया। और मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं सरजील भाई। अस्सलाम वालेकुम सरजील भाई, कैसे हैं? सरजील भाई की वीडियो के थ्रू देखा था। ओह, सरजील भाई की वीडियो मैंने टिकटॉक पर देखी थी, फिर मैं इनके शॉप आया। माशाल्लाह से इनके पास पैंट शर्ट की बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ और काफ़ी अच्छे रेट पर है। इनकी एक टिकटॉक पर वीडियो जिसमें इन्होंने अपने शॉप की फुल लोकेशन बताई है, आप लोग जाएं इनके टिकटॉक पर वीडियो देखें और इनके शॉप पर आके शॉपिंग करें अपनी ईद की अच्छे रेट पर। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि कराची का ट्रैफिक कितना ज़्यादा जाम होता है। अभी मैं जा रहा हूँ असर का टाइम होने वाला है नमाज़ पढ़ने। नमाज पढ़कर अभी मैं थोड़ा सा लेटा हुआ हूँ क्योंकि अभी इफ्तारी में टाइम है। हम लोग इधर जो पहुँचे वो हम लोग पहुँचे हैं 5:45, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रांची का जो ट्रैफिक होता है फुल जाम, सर घूम रहा है। अभी एक तो धूप तेज थी थोड़ी और ऊपर में से ट्रैफिक, सबसे जो मुश्किल था ना वो ट्रैफिक को फेस करना था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इस वजह से बिल्कुल गर्मी से ना सर घूम रहा है। मैं भी लेटा हूँ और आयशा और जयान भी आए हुए हैं, तो मैं आयशा को भी बुलाता हूँ। मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊँ उधर और आयशा को लेकर आऊँ। आयशा
हेलो 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 मेरा बच्चा, हेलो मेरा बच्चा, क्या कर रही हो? तुम्हारा रोजा नहीं है? अरे रोजा रोजा नहीं रखी है? चाहिए जरा मामू, बस मामू को थोड़ा सर दबा दो। हमने रोजा क्यों नहीं रखा? हो ना मामू पास बैठू ना, मामू पप्पी जो ध्यान भी गए। हेलो तू कर तू। हेलो हेलो, आयशा का रोजा आज फ्रिज में है, फ्रिज में ना, आयशा स्कूल जा रही है। अच्छा टीचर क्या बोलती है जल्दी से बताऊं सबको, जल्दी से टीचर क्या बोलती है? टीचर बोलती है आज वो छुट्टी तो चाहे ना भी अच्छा देती है। नहीं नहीं सही से शुरू से जो टीचर आपको बोलती है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। टीचर आयशा को बोलती है आयशा जल्दी बताओ। आयशा तो बोलते आयशा बोला छोटा टटिया और अच्छा छुट्टी भी देती है। अब इसको नहीं सही से समझ नहीं आ रहा। इसकी टीचर बोलती हैं आयशा इमरान पढ़ती बहुत अच्छा है, आयशा इमरान डांस बहुत अच्छा करती है, आयशा इमरान छुट्टी बहुत करती है। सबसे ज़्यादा तो आयशा इमरान का प्रॉब्लम है वो छुट्टी करने का। उस दिन आई है तो जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन उसने मुझे कहा है सबके सामने बैठ के बोल दिए कि टीचर मुझे, टीचर सबको बोलती है आयशा इमरान मामू का रोजा है क्या कर रही है। टीचर इमरान बोलती है आयशा बहुत अच्छा पढ़ती, सब काम अच्छा करती है, लेकिन आयशा इमरान छुट्टी बहुत करती है। आयशा मुंह में चले गंदी बच्ची, मामू का रोजा है ना। अच्छा चलो मामू साथ लेटो, अफ्तारी करने मामू साथ चलना ठीक है। थोड़ा इधर आ, इधर आ बाबा 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 बाबा, हेलो 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 हेलो। हाँ मेरा बच्चा जी जी। कौन मारा आपको? आप ही मारी है? अच्छा टोपी पहनाओ मामू को जल्दी से, टोपी पहना दो। ओ जी आप ही क्यों मारी आपको? अच्छा बात तो सुनो, बात तो सुनो। अच्छा वो देखो ऐसा छोड़ दो, कौन है? आजा आजा मामू पास, ऊपर 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 आओ। हिम्मत नहीं इसको जाने दो, ये दोनों बैठे। मेरी चाय मेरी बालू तो गंदी बच्ची आयशा। हाँ मामू 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 का बेटा, मामू का बेटा, मामू का बेटा आयशा गिर जाएगा भाई। क्या बोलिए आप? आयशा को मारो, मारो आयशा को, मारो आयशा को, मारो मारो आराम से। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मामू पास आओ, इधर आओ जैन, इधर आओ मामू पास। आयशा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबू कौन बोला? नानू मारेंगे। नानू मामू, मामू क्या बोले? मामू तो कुछ तुम्हें बोले ही नहीं। इन दोनों का हरकत चेक करें आप, ये दोनों मेरे ऊपर बैठे हुए क्या कर रहा बाबा? एक तो रोजे में, दोनों मस्ती कर रहे मेरे साथ। अच्छा आप ले, आप लेट जाओ मामू पास लेट जाओ, ये भी मामू के पास। मैं आयशा को लेटाऊ ना, ये फौरन भागते हुए गए, गिर जाएगा ध्यान, कहाँ जाएगा? आप ही मारेगी आप ही। चलो उतरो उतरो ध्यान, आराम से जाओ। हाँ मामू मामू मामू, नहीं नहीं रोता है होंठ में प्यार नहीं। बोलू से यार मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा ना, सोफे में खड़ो होकर खेल ले गिर जाएगा। चलो इफ्तारी का टाइम हो गया, चले आ जाओ बाबा, चलो चलो लोगों को मैं बाहर लेके जाऊँ। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं दिया, इफ्तारी में 17 मिनट बाकी, सिर्फ मार रही है मुझे। क्या हो गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? गुस्सा आ रहा है तो चलो हम लोग देखें इफ्तारी क्या बोले। यहाँ समोसे और पकोड़े रेडी हो चुके हैं, ये पापड़ पड़ा हुआ है और ये समोसे, और सिस्टर
फ्राई कर रही हैं, ये मज़े मज़े के समोसे रेडी हो रहे हैं। और मामा ने आज बनाया है बिरयानी, तो आज बिरयानी भी खाएंगे इफ्तारी में। इफ्तारी उधर रेडी हो रहा है और टाइम भी होने वाला है, 15 मिनट बाकी है। अब मैं जा रहा हूँ वज़ू बनाने, वज़ू बना के जल्दी से इफ्तारी में बैठता हूँ और आप लोगों को पूरी इफ्तारी दिखाता हूँ। इफ्तारी हो गई और नमाज भी पढ़ लिया मैंने, अब चाय आ रहा है, चाय पीऊँगा क्योंकि आज लाजमी है मेरे लिए चाय। थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश करने के लिए चाय आप लोगों को पता है लाजमी होता है। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैं एक दो रोज़ा पिया था चाय बस, फिर उसके बाद से मैं नहीं पीता इफ्तारी के बाद, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और फिर इफ्तार तरावी का भी टाइम हो जाएगा। चाय आ रहा है तो पीते हैं जल्दी से चाय। चाय आ चुकी है, अब जल्दी से चाय पीते हैं और फिर मैं तरावी की तैयारी करूंगा क्योंकि तरावी और नमाज में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। चाय पीकर मैं तरावी पढ़ने चले गया था और अभी आया हूँ, 11 बज रहे हैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि मुझे अभी जाना है व्लॉग वगैरह एडिट करना है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।